हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चटकारा कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट केक। नाम को सुनते ही आपको इसे बनाना डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इजी तरीके से और घर में डेली यूज इंग्रेडिएंट से ही बिना ओवन, माइक्रोवेव या कुकर के हम कढ़ाई में ही इसे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये एक कटोरी लिया है मैदा, 3/4 कटोरी है मैदा। तो ये अगर तोल में हम करें तो 50 ग्राम होगा और घी करीब 75 ग्राम होगा, यानी जितना आपने मैदा लिया है उससे हाफ और आप उसमें ऐड कर दीजिए, यानी 50 और प्लस 25 यानी 75 ग्राम्स, ठीक है। और जितना मैदा लिया है उतनी ही हम चीनी लेंगे। तो ये तीनों आप अगर मेजरमेंट कप से करते हैं या किसी बाउल से करते हैं तो ये देखने में करीब सेम बराबर ही लगेंगे आपको, तो आपको उतना ही रखना है। यानी आप कप ले रहे हैं तो एक कटोरी मैदा, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी ही आपको सिर्फ घी लेना है, तो मतलब बराबर, एकदम बराबर सामग्री सारी यूज करनी है। तो चलिए हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे ये मैदा। मैदा डालने के बाद हम इसी में डाल देंगे ये चीनी। चीनी मैंने घर पे ही जो नॉर्मल हम चीनी यूज करते हैं उसको ग्राइंड करके और तैयार किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये घी। घी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा सोडा, नॉर्मल सोडा है ये, हम थोड़ा बाद में डालेंगे। पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक करीब 1 या 2 पिंच करीब हमें डालना है, इतना सा। अब ये हम डालेंगे कोको पाउडर करीब 3/4 चम्मच करीब कोको पाउडर डालेंगे। और ये हमने थोड़ा सा दूध लिया है, इस दूध में हम ये रेड फूड कलर, क्योंकि जब हम बना रहे हैं रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो रेड कलर के बिना तो बन ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसमें ये थोड़ा सा डालेंगे रेड फूड कलर। ये करीब इतना हम रेड फूड कलर डाल रहे हैं। इसे हम दूध में मिक्स करके और फिर डालेंगे ताकि ये अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अब डाल देंगे 4-5 बूंद वेनिला एसेंस। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बाद में ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप बर्तन जो भी, जिसमें भी मिक्स करें वो थोड़ा सा बाउल या बर्तन जो भी लें आप वो थोड़ा बड़ा लें ताकि मिक्स करने में हमें आसानी हो। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये 2 एग। इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे करीब हाथ से फेंटने में करीब 8 से 10 मिनट हमें फेंटना होगा, लेकिन अगर हैंड ब्लाइंडर्स आप यूज करते हैं तो हैंड ब्लाइंडर से अगर आप 2 मिनट इसे फेंट लेंगे तो ये अच्छे से एकदम तैयार हो जाएगा, स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा इसका। तो ये आप देख लीजिए करीब इसके हमें इतना रखना है। इसे हम निकाल लेंगे और अब हैंड ब्लाइंडर से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमने करीब दो मिनट हैंड ब्लाइंडर से फेंट लिया है। अब मैं इसमें जो बचे हुए हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल दूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लाइंडर्स नहीं हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिक्सर में भी इसे 2 मिनट अच्छे से फेंट सकते हैं। ये करीब मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। और 1/4 चम्मच डाल देंगे हम इसमें बेकिंग सोडा।
और इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसे ब्लाइंडर से फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हमें 10-15 सेकेंड ही फेंटना है, क्योंकि ये डालने के बाद अच्छे से फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर भी फेंट लिया है। अब मैं ये कंटेनर में घी लगा दूंगी, जिससे ये हमारा केक चिपके नहीं। अच्छे से लगा देंगे और इसे हमें करीब आधा ही भरना है, वरना ये फूल कर बाहर निकल जाएगा। बस हमें इतना ही डालना है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा बन चुका है। ये कढ़ाई में हमने जब केक को बनाना स्टार्ट किया था, उसी वक्त मैंने नमक डालकर करीब 2 कटोरी, मतलब आप जितना बड़ा बर्तन ले रहे हो, कढ़ाई ले रहे हो, वो उसका तले के अंदर पूरा अच्छे से फैल जाना चाहिए, उतना लेकर। और एक ये स्टील की रिंग है, ये मैंने ऊपर से लगा दी है इसके, जिससे हमारा केक जले नहीं। और नमक ये डेली यूज में मैं जो काम लेती हूँ वही नमक है, कोई स्पेशल नमक नहीं है। तो ये आप इसे कढ़ाई में नीचे डालकर और उसी वक्त गर्म करने के लिए रखते हैं जिस वक्त आप तैयारी स्टार्ट करें। तो ये नमक अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये रख दूंगी हमारा केक सामग्री। रिंग को थोड़ा ऊपर ही रखना है, जिससे केक हमारा चिपके नहीं या जले नहीं। और गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो रखनी है, अभी मीडियम कर सकते हैं, बीच में हमें बाद में एकदम स्लो करना होगा 5-7 मिनट के बाद में। तो अब हम इसे करीब 20 से 25 मिनट बाद चेक करेंगे। और ढक्कन लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा वेट रख देंगे, जिससे इसमें प्रेशर अच्छे से बना रहे। ये केक हमारा जितने बेक हो रहा है, उतने हम ड्रेसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ड्रेसिंग के लिए मैंने ये घर की फ्रेश मलाई ली है, ये करीब 3 चम्मच है। और इसी में मैं ये डाल दूंगी 2 चम्मच पीसी चीनी। बाहर का सामान हम इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इसमें जो हमारे घर में नॉर्मली यूज करते हैं वही यूज यही यूज करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 बूंद वेनिला एसेंस की और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। करीब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। ये हम इसकी स्मूथ सी क्रीम हमने फेंट कर अच्छे से 3 से 4 मिनट करीब हमें इसे लगे हैं और इसकी स्मूथ क्रीम तैयार कर ली है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और केक की तरफ चलते हैं। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, हम इस केक को चेक कर लेते हैं। ये केक ये देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। कि ये मीडियम फ्लेम पे मैंने करीब 5 मिनट रखा है। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बिल्कुल मीडियम लो। अब इसे हम करीब 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। करीब 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारा सिक्का एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। हम इसमें सलाई डालकर और चेक कर लेते हैं। ये देखिए सलाई एकदम क्लियर निकल रही है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। गैस की फ्लेम कर देंगे हम ऑफ। अगर आपके पास सलाई नहीं हो तो आप चक्कू डालकर भी चेक कर सकते हैं इसे। ये देखिए चक्कू भी एकदम क्लियर निकल रहा है, इसका मतलब ये बेक हो चुका है। मुझे इसे पूरा टोटल टाइम बेक करने में करीब 25 मिनट लगे हैं। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम भी लग सकता है, क्योंकि ये गैस की फ्लेम के हिसाब से होता है। तो मेरा जो गैस है वो मैंने सबसे मिनिमम था, उस पर 20 मिनट बेक किया है। तो आपके पास भी जो गैस है आप उस पर मिनिमम फ्लेम पे आप इसे बेक कीजिए और टाइम का ध्यान रखिए और बीच बीच में इसे चेक करके और अच्छे से पका लीजिए। ये केक हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखिए कितना स्पंजी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये मैं चम्मच से आपको दबा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के लिए आपको साइड से इस तरह से पहले पकड़कर हल्के हाथ से इसे चक्कू से साइड पर आप कर लीजिए थोड़ा सा अलग, ताकि ये इजीली बाहर निकल जाए। इस तरह से
अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये केक हमारा बाहर निकल चुका है। अब अगर आप चाहें तो इसका आपको साइड से डार्क कलर लगे तो आप साइड से भी इसे बाहर हटा सकते हैं। ये इस तरह से हम ऊपर की लेयर निकाल लेंगे जिससे ये नीचे का रेड कलर दिखने लगे और इसे हटा देंगे। अब हमने जो ये मलाई और चीनी फेंट कर रखी थी उसे हम इस पे लगा देंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी मलाई और चीनी में अगर दूध थोड़ा सा साइड में इस तरह से आ जाता है ये हो तो आप भी साइड से इसे निकाल लीजिए। ये हमने दूध भी निकाल लिया है। अब हम इस पे केक पे इसे लगा देंगे। ये बटरिंग नाइफ है इससे मैं इसे लगा रही हूँ ताकि ये इजीली लग जाए। इसे हम पूरे पे अच्छे से फैला देंगे, थोड़ा साइडों में भी लगा देंगे जिससे ये देखने में अच्छा लगे। ये पूरे केक पे हमने क्रीम फैला ली है। अब हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। अगर आप इसे चाहें तो प्लेन भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये देखिए ये मैंने लिए हैं ओरियो बिस्किट जिसे मैंने हाफ हाफ कर लिया है। ये चॉकलेट क्रश की हुई है और ये ओरियो बिस्कुट को ही हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है और ये हमने हार्ट जो हमारा थोड़ा सा बैटर बचा था केक बनाते हुए उसे मैंने अलग से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बेक कर लिया ओवन के अंदर। तो आप चाहें तो वैसे भी इसे बेक करके बना सकते हैं। मैंने इसे कढ़ाई में बनाना आपको बताया है, आप ओवन में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये हार्ट लगा दूँगी। इसे मैंने चाकू से हार्ट शेप में कट कर लिया है। इस तरह से इसे लगा देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। आप इसे अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए भी, एनिवर्सरी पर या फिर यूं ही किसी भी ओकेजन पर, स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। वैसे ही फैमिली के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इस पे लगा देंगे ये ओरियो बिस्किट। इस तरह से इसे कोई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो इसे करीब एक घंटा पूरा लगता होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इसे डेकोरेट करके भी आप एक घंटा में तैयार कर सकते हैं। और अभी जैसे ये लगा दिया है हमने, अब हम ये लगा देंगे ओरियो बिस्किट जो हमने क्रश करके रखे हुए हैं। ये इसे बीच में डाल देंगे। ये साइड्स में भी हम जो क्रश की हुई चॉकलेट है उसे स्पैचुला की सहायता से लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये देखने से साइड से भी सुंदर लगे। ये हमारा रेड वेलवेट केक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए देखने से ही कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसके साइड्स में भी चॉकलेट्स लगा दी है। ये देखिए चारों तरफ चॉकलेट लगाने के बाद और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि आपका केक कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे मेरी चटकारेदार रेसिपी के नोटिफिकेशन हाथों हाथ मेरे चैनल चटकारा कॉर्नर से आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।